नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक चेची और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल चैनल चेचीज एजुकॉम। दोस्तों, हर बार की तरह हम लाते हैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग। तो इस बार हम क्या इंटरेस्टिंग ला रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, इस बार हम ला रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर 2020, जो कि RPSC द्वारा करवाया गया एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम्स के टॉपर्स से हम आप लोगों को रूबरू करवाने जा रहे हैं और उनकी रणनीति, उनकी स्ट्रेटजी और उनके जो विचार हैं वो आप लोगों के साथ साझा करने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े हुए सभी छात्र ऐसी स्ट्रीम से ताल्लुकात रखते हैं और वो ऐसे जानना चाहते हैं कि आखिर टॉपर्स ऐसा विशेष क्या करते हैं और आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो टॉपर्स और सफलता और असफलता के बीच में मायने रखती है। इन्हीं सब चीज़ों के लिए आप लोगों के बीच में लेकर आ रहे हैं हम राजस्थान के टॉपर्स, जो आप लोगों के बीच में अपने विचार साझा करेंगे, अपनी स्ट्रेटजी, अपना स्मार्ट वर्क, अपनी चातुर्यता और काफी कुछ आप लोगों को बताएंगे, बिल्कुल एक मित्र की तरह। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हम हमारा पहला इंटरव्यू लेने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत जो गणित जैसे कठिन से कठिन सब्जेक्ट में भी पूरे राजस्थान में टॉप किया और एक अपनी सफलता का जो दमखम है वो दिखाया। दोस्तों, कहते हैं कि जितनी लंबी असफलताएं होंगी उतनी ही आपकी सफलता बहुत बड़े रूप में सामने आएगी। तो ऐसी ही एक शख्सियत से हम आप लोगों को आज परिचय कराएंगे, राजेश कसाणा। राजेश जी कसाणा राजस्थान यूनिवर्सिटी में PhD के मैथमेटिक डिपार्टमेंट के छात्र हैं और उन्होंने राजस्थान RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 गणित विषय में पूरे राजस्थान में टॉप किया है। तो हम आप लोगों के बीच में बुलाना चाहेंगे हमारे मित्र साथी रिसर्चर राजेश जी कसाणा को। नमस्कार राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं हम सबसे पहले तो कि आप समूचे राजस्थान को टॉप करके गणित विषय में और असिस्टेंट प्रोफेसर में एग्जाम में इतनी बड़ी सफलता आपने हासिल की है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अशोक जी और आपके सभी यूट्यूब चैनल्स के व्यूवर्स को चेची एजुकॉम पर आपने मुझे इन्वाइट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजेश जी, जैसा कि हम आपको यहाँ इनवाइट करते हैं, हम बुलाते हैं हमारे टॉपर्स को यहाँ पर, हमारे जो साथ के जो हमारे जुड़े हुए हैं चैनल से दर्शकगण, उन लोगों के लिए वो काफ़ी कुछ जानने की उत्सुकता रखते हैं, तो इसीलिए आज आपको हमने यहाँ पर बुलाया है और हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कि ये जो सफलता है, कहते हैं कि सफलता रातों रात में इंसान को विशेष बना देती है, तो आप रातों रात में विशेष, क्या इसको आप एक रातों रात की सफलता मानते हो या इसके पीछे एक बहुत बड़ी जर्नी है? नहीं सर, रातों रात में तो कोई सफल नहीं होता, हर सफलता एक समय मांगती है और मैंने भी उसके लिए समय दिया है। मैंने 2014 में MSc कर लिया था सर और अभी देख लीजिए 2022 चल रहा है, लगभग मेरा 8 साल की जर्नी हो गई थी MSc करने के बाद। तो सफलता समय चाहिए सर, शॉर्टकट नहीं। और जैसा कि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जैसा कि इस फील्ड से हम जुड़े हुए हैं जी, तो सर हमें पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम एक बहुत धैर्य मांगता है, कहते हैं कि बहुत धैर्य होना चाहिए जब जाकर आप PhD असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम्स को क्रैक कर पाओगे जी। तो क्या डायरेक्टली आपके लिए सफलता थी या इससे पहले काफ़ी असफलताएँ जुड़ी हुई हैं? देखिए सर, असफलताएँ तो सफलताओं का मार्ग बनाती हैं, राह को दिखाती हैं। इससे पूर्व मैं काफ़ी बार असफल रहा हूँ। आप जब मैंने 12th किया था वहीं से मेरे साथ असफलता चलने शुरू हो गई थी। मैंने NDE के 4 बार इंटरव्यू दिए थे और चारों बार मैं असफल रहा था। उसके बाद में मैंने BSc करने के बाद में MSc किया और MSc में एडमिशन लेने के बाद मैंने काफ़ी इंटरव्यूज दिए, एग्ज़ाम्स दिए, जैसे फर्स्ट ग्रेड में मैं सफल रहा लेकिन मेरा BEd नहीं था, तो इस वजह से मैं वहाँ भी असफल ही समझ लीजिए। रिटर्न मेरा क्लियर हो गया था लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर था। उसके बाद मैंने फिर राजस्थान विश्वविद्यालय में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू दिया, उदयपुर यूनिवर्सिटी मोहनलाल सुखाड़िया, उदयपुर में है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, वहाँ के लिए भी मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू 2018 में दिया था और 2014 में असिस्टेंट प्रोफेसर की आई थी, वहाँ पर भी मैं असफल रहा था और 2015 में असिस्टेंट प्रोफेसर तकनीकी शिक्षा विभाग पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आई थी, वहाँ पर भी मैं असफल रहा था। आप समझ लीजिए कि 2014 के बाद में मैंने सिर्फ अगर फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा मैं लगभग हर एग्ज़ाम में असफल रहा था। तो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि किसी भी असफलता से उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस एग्ज़ाम में आप पिछली बार असफल थे आज उस एग्ज़ाम में आप समूचे राजस्थान में शीर्ष स्थान ग्रहण कर रहे हो, तो ये जानने लायक, मतलब ये बहुत अच्छी बात है और सबसे ज़्यादा प्रेरित करेगी ऐसे लोगों को जो एक असफलता से अपने आप को निराश महसूस करते हैं। देखिए सर, असफलता अपने आप में एक मोटिवेशन होता है अगर हम लेना चाहें तो उसको, क्योंकि असफल होने के कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं। मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए, एग्ज़ाम्स दिए, रिटर्न मेरा हर में क्लियर होता था लेकिन इंटरव्यूज़ में जा करके मैं रह जाता था, तो उसके लिए जो कमियां मेरी थी
स्कोर कम था या इंटरव्यू में मेरा प्रेजेंटेशन ठीक नहीं रहा, उन कमियों को मैं आकर के पॉइंट आउट करता था, उनको रीड करने की कोशिश करता था कि कहाँ पर मेरी कमी रही है, और उनको मैंने सुधारने की कोशिश की, और उसका नतीजा यही रहा कि मैं टॉप कर पाया। तो राजेश जी, हम जानना चाहेंगे कि आप अपनी सफलता का श्रेय आखिर किन्हें देना चाहेंगे? जी सर, मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजन को, अपने माता पिता को, और मेरे रिसर्च सुपरवाइजर प्रोफेसर प्रेश व्यास, विभागाध्यक्ष हैं अभी गणित विभाग के, उनको मैं अपनी सफलता का, मेरे दोस्तों को अपनी सफलता का श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि इन सभी का कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेरे साथ मोटिवेशन जुड़ा हुआ था। और आप एक रिसर्च स्टूडेंट भी हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के गणित विभाग के, तो किस प्रकार से आपकी रिसर्च का योगदान रहा आपकी सफलता के पीछे? देखो सर, मैंने रिसर्च में एडमिशन ले लिया था, 2016 का मेरा रजिस्ट्रेशन है, काफ़ी टाइम हो गया रिसर्च में भी, तो ये क्वेश्चन भी उठता था कि भाई आप इतना कितना रिसर्च कर रहे हो, अभी तक PhD कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन वो क्या था कि सर, एक जो असफलता ही थी, मैंने दोनों को मैनेज करके चला कि भाई रिसर्च भी करना है और साथ ही साथ अगर नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आती है तो उसके लिए तैयारी भी करनी है, तो मैंने रिसर्च को और तैयारी को दोनों को एक कॉम्बिनेशन के रूप में आगे लेकर के बढ़ा, और धीरे धीरे कोरोना का जो टाइम था, कोरोना पेंडेमिक का, उस टाइम को मैंने सही तरीके से यूटिलाइज किया, और उसी की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुँच पाया हूँ। राजेश जी, जैसा कि गणित विषय के बारे में बताया जाता है कि बच्चे आज भी इस सब्जेक्ट के नाम से डरते हैं कि गणित नंबर कम आते हैं, तो क्या वाकई में सब्जेक्ट के साथ ऐसा है कि इतना कठिन है, या ये सब्जेक्ट भी बाकी सब्जेक्ट की तरह ही अगर रुचि लिया जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है? देखो सर, सारे सब्जेक्ट अपने आप अपने क्षेत्र के कठिन ही सब्जेक्ट होते हैं, हमारी जो इसमें डिफरेंस होता है कि रुचि का। अगर मैथमेटिक्स में आपकी रुचि है तो आपको ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट लगेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में जितना आप एग्जैक्टनेस के साथ काम कर सकते हो शायद और सब्जेक्ट में आप नहीं कर पाओ, लेकिन यहाँ रुचि का विषय है। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स को क्वीन ऑफ द ऑल सब्जेक्ट्स बोला जाता है, कि सारे सब्जेक्टों की रानी है, और रानी इन द सेंस कि मैथमेटिक्स जो है वो आपका समय और रुचि दोनों मांगती है, अगर आप किसी भी चीज़ को समय और रुचि देंगे तो आपकी बनके रहेगी। तो मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से कि जो हमारे जो नए आने वाले विद्यार्थी हैं, नए असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसी आ रही है, कई यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की आ रही हैं, तो आप ऐसे क्या गुर बताना चाहेंगे उन लोगों को कि क्या आखिर ऐसा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम एक बहुत धैर्य वाला, बहुत पेशेंट रखना पड़ता है इस एग्ज़ाम पर, तो उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? देखिए सर, धैर्य तो बहुत ज़रूरी है, बिना धैर्य के तो कोई भी इंसान सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि असफलताएं जब हमें मिलती हैं तो निराशा हमें हाथ लगती है, और यदि हम उस निराशा को एक पॉजिटिव वे में नहीं लेके जाएंगे तो हम टूट जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि मुझे काफ़ी निराशाएं मिली थी लेकिन मैंने उन निराशाओं के अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और जो मेरा मैनेजमेंट था उसको मैंने सही करने की कोशिश की कि कहाँ मेरी कमी रही है, किस चीज़ में मैं वीक रहा हूँ। अगर मैं सपोज करो GK की बात मैं आपको बताऊँ, मैं साइंस बैकग्राउंड से था तो GK इतना अच्छा नहीं था, फिर भी मेरा इस असिस्टेंट प्रोफेसर में जो GK का पेपर हुआ था और काफ़ी जैसे ओवरऑल व्यू से पता चला डिफ़िकल्ट था, तो फिर भी मैंने 33 का उसको स्कोर किया है, उसके लिए उसके लिए मैंने जो करंट जो था और इकोनॉमिक्स था, इन दोनों सब्जेक्ट्स को जो टॉपिक थे, इन दोनों को मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ने की कोशिश की और अच्छे नंबर लिए उसमें। बहुत अच्छा स्कोर, जैसा कि आपने बताया 33 मार्क्स आउट ऑफ 50 आपने GK थर्ड पेपर में बताई, बहुत अच्छा स्कोर है असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो अब की बार पेपर आया था उस पेपर के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा स्कोर है, और बहुत ही अच्छा स्कोर आपका सब्जेक्ट में भी बेशक है, तभी आप आज समुच राजस्थान में शीर्ष स्थान ग्रहण कर रहे हो। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस समय RPSC इंटरव्यूज ले रही है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के, तो बहुत से सब्जेक्ट्स के हो चुके हैं, बहुत से सब्जेक्ट्स के अभी क्यू में हैं, उनके इंटरव्यू कतार में है, तो कुछ गुरु देना चाहोगे आने वाले जिन लोगों के इंटरव्यू में, वो भी कुछ सीखें और आने वाले लोग भी तैयार करें? देखिए सर, इंटरव्यूज का ये है कि वहाँ पर जो पैनल होता है उसमें 3 लोग होते हैं, एक मेंबर होता है और 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, तो जो भी इंटरव्यू पैनल में हमारा जो रेस्पॉन्स होता है वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हमारे से कितने क्वेश्चन पूछे गए और कितने का हमने राइट जवाब दिया है और कितने का रॉन्ग जवाब दिया है, इस पर कम डिपेंड करके हमारा जो जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, मैंने अभी जस्ट करंट में 2 इंटरव्यू दिए, उन दोनों में यही अनुभव किया कि कॉन्फिडेंस आपका प्लस होना चाहिए,
कॉन्फिडेंस में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप एक विनम्रता के साथ कहते हुए आप उनको मना कर सकते हैं, उसमें कोई कमी किसी प्रकार की गलती आपकी नहीं मानी जाएगी। क्योंकि सर देखिए, मैथमेटिक्स हो चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हर इंसान हर टॉपिक में परिपूर्ण हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। सही बात है, और जितना ज़्यादा आपने आप पर आत्मविश्वास होगा उतना ही वो बेहतर कर पाएगा। इंटरव्यू एक प्रकार से आपका एक व्यक्तित्व परीक्षण है। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो राजेश जी, कसाना जी, मैं जानना चाहूँगा आपकी, अगर आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताना चाहें तो। जी सर, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सर मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ जो कोटपुतली तहसील में सुंदरपुरा गांव है, वहाँ का मैं निवासी हूँ। और मेरे पिताजी खेती करते हैं, माताजी गृहिणी हैं, और परिवार में बड़े भाई हैं, वो अंकल हैं, उनके मोटिवेशन से मैं आज इस मुकाम तक पहुंच पाया। उनका मेरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से हमेशा सहयोग रहा, मोटिवेशन रहा। जब भी असफलताएं मिली तो उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर के, नहीं बेटा तू कर सकता है, लगा रहे, हो जाएगा तेरे से। तो वो एक मोटिवेशन होता ना परिवार से जो मिलता, उस मोटिवेशन अगर हर स्टूडेंट को, हर साथियों को मिले तो वो टूट नहीं पाएगा और अपने सफल होकर के ही रहेगा। तो राजेश जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि पता है कि आपके जूनियर्स या आने वाले जो हमारे भविष्य हैं राज्य के, तो असिस्टेंट प्रोफेसर्स का एग्जाम भी आने वाले हैं, फर्स्ट ग्रेड के भी हैं, सेकंड ग्रेड के भी हैं, थर्ड ग्रेड के भी हैं, गणित विषय के बहुत प्रकार के एग्जाम होने वाले हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आपने इस एग्जाम्स को जगह जगह टॉप किया है, अभी हाल ही में आपने इसका टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू आपने दिया है, और अभी आप कॉलेज एजुकेशन में फर्स्ट रैंक पर आए हो, आपने इससे पहले आर्य राजस्थान यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू दिया है। तो टिप्स देना चाहोगे उन लोगों के लिए मैथ्स में, आखिर मैथ्स में किस प्रकार की तैयारी की जरूरत होती है? देखिए सर, तैयारी तो बहुत ज़रूरी है, और उसमें इस बात का कभी भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि नोटिफिकेशन आएगा आरपीएससी की तरफ से, उसके बाद हम तैयारी शुरू करेंगे। देखो, तैयारी के लिए आपको वेट नहीं करना चाहिए, जब भी आपको समय मिले अपने सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए। और आप जब आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो आपको खुद को एहसास हो जाता है कि कौन सा टॉपिक हमारा वीक है और कौन सा टॉपिक हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो जो भी टॉपिक हमारा वीक होता है उस टॉपिक को वीकली रिवाइज करने की कोशिश करें। देखो, मैथमेटिक्स में क्या है कि हर काम बिना लिखित के संभव नहीं होता, तो अब जब आप लिखित में करते हो तो उसमें समय भी लगता है, लेकिन जब आप बार बार उसको वीकली रिवाइज करेंगे तो लिखित वाली जो समस्या है वो कम की जा सकती है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ विशेष टॉपिक्स वगैरह कुछ बताएंगे? जी सर, अगर मैं पहले जीके की बात करता हूँ, मैंने जो मेरी स्ट्रेटजी बनाई थी जीके को किस तरीके से पढ़ना चाहिए या किस तरीके से उसको लेके चलना चाहिए कि जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सके, तो मुझे जो इतिहास था पुराना अपना, जैसे राजा महाराजों से संबंधित जो इतिहास था, उसमें से तो मुझे बोरिंग सा लगता था क्योंकि वो टॉपिक भी एक लंबा था, और मैंने जैसे पुराना एग्जाम देखा था तो उसमें शायद 3 या 4 सवाल आई थिंक इतने आए थे। तो मैंने सोचा भाई अगर मैं 5 सवाल भी उसमें निकाल दूँ फिर भी 96 सवाल मेरे पास बचते हैं, और 96 सवाल में अगर मैं वहाँ कम्पीट करता हूँ या उसके लिए तैयारी करता हूँ तो 5 सवालों के लिए जो मैंने जगह छोड़ी है उसको मैं किसी दूसरे टॉपिक पर अगर लगाऊँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने अपने सेक्शंस को डिवाइड किया ये कि भाई जो हिस्ट्री है उसमें राजा महाराजाओं का जो टॉपिक है उसमें मैंने सेलेक्ट किया। जैसे मैंने सिर्फ 2 ही वंशजों को ज़्यादा फोकस किया था, एक तो राठौड़ वंश और ये अपने आमेर के कछवा वंश, इन दोनों वंशों के ऊपर, क्योंकि मैंने देखा पुराने पेपर्स में काफ़ी क्वेश्चंस आते थे और उनको ध्यान में रखते हुए मैंने इनको सेलेक्ट किया। और जब भी मैं किसी टॉपिक को, जीके के टॉपिक को पढ़ता तो मेरे स्ट्रेटजी ये रहती थी कि टॉपिक पढ़ने के बाद में मैं क्वेश्चन लगाता था, और क्वेश्चन लगाने के लिए एक मार्केट में अवेलेबल बुक है, दिशा पब्लिकेशन एक किताब चलती है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस का कलेक्शन दिया गया है वो काफ़ी अच्छा है, और मैंने उसकी काफ़ी हेल्प ले करके उसका उपयोग किया है। तो उसकी सहायता अगर ली जाए और वहाँ रिवीजन के साथ उसको पढ़ा जाए, देखो आप टॉपिक पढ़ोगे फिर क्वेश्चन लगाओ तो बहुत आसानी से हो जाएंगे, लेकिन अपना रिवीजन इस तरीके से करें कि एक बार टॉपिक पढ़ के फिर क्वेश्चन लगाएं, फिर कुछ समय बाद में बिना टॉपिक पढ़े हुए फिर क्वेश्चन लगाएं, तो मैं जहां तक समझता हूं कि आपको क्वेश्चंस की ऐसी क्लियरिफिकेशन हो जाएगा कि बिना टॉपिक के ही आप 4 ऑप्शन हैं उन 4 ऑप्शन में डिस्कार्ड करना सीख जाएंगे। और किसी भी एग्जाम की सफलता का राज मैं इसी में मानता हूं कि आपको 4 ऑप्शन में 1 ऑप्शन आता है वो आपकी सफलता डिसाइड नहीं करता, आपकी सफलता 4 ऑप्शन में से कितने ऑप्शन आप बाहर कर सकते हो उससे डिसाइड होती है। बिल्कुल,
तो राजेश जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने बताया जी कि हमें किस प्रकार की स्ट्रेटजी जरूरी है एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एक एग्जाम को पास करने के लिए। अब हम आपसे जानना चाहेंगे मैथ्स विषय में, मतलब आखिर गणित में विशेष कौन से कोई टॉपिक्स या किस प्रकार के टॉपिक्स आप अच्छी तरह समझते हैं अपने सब्जेक्ट को, क्या उसमें स्ट्रेटजी रहनी चाहिए अभ्यर्थी की? देखिए सर, अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूं तो इसमें यूजी और पीजी दोनों के कुल मिला के करके अगर आप बात की जाए तो 27 के समथिंग हमारे पास बुक थी। यूजी में तीनों साल के 3-9 पेपर हो गए और पीजी में 10 पेपर हो गए, 5 पेपर एमएससी प्रीवियस में और 5 पेपर एमएससी फाइनल के लिए। तो टोटल इनको मिला करके अगर बुक्स की बात की जाए तो 27 आप टॉपिक समझ सकते हो, बुक्स समझ सकते हो। उन सबको एक आप एक स्ट्रेटजी के अंदर लेकर के आपको काम करना होता है। जैसे मुझे यूजी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, पीजी में ज़रूर मुझे 1-2 टॉपिक्स में दिक्कत थी, तो मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई, एक कॉम्बिनेशन बनाया कि जिन सब्जेक्टों में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ और जिन सब्जेक्टों में मैं बहुत कम कंफर्टेबल हूँ। तो जिनमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ और बहुत कम कंफर्टेबल हूँ उनका एक कॉम्बिनेशन बना लिया, यानी कि एक कठिन सब्जेक्ट ले लिया और एक आसान सब्जेक्ट ले लिया, जिससे मुझे रिवीजन करने में दिक्कतें नहीं हुई। जब मैं आसान सब्जेक्ट को करता तो मुझे मोटिवेशन मिलता कि मैं कर सकता हूँ, और जैसे मैं कठिन करता थोड़ा मोटिवेशन से उसको और आसान करने की कोशिश करता। तो मेरी जो स्टूडेंट्स हैं उनको यही सजेशन रहेगा कि आप जो टॉपिक हैं जो भी पढ़ें उसका रिवीजन लगातार ज़रूरी है। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि एक महीने में एक बार टॉपिक को पढ़ देते फिर पता नहीं उसका नंबर कब आता है, वो सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। वो हमारा जो पढ़ा है वो भी लगभग बराबर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो लंबा समय हो जाता है तो पढ़ा और नहीं पढ़ा वो भूल जाते हैं। तो एक वीकली अपने रिमाइंड कर लीजिए कि संडे, हर संडे को मैंने जो भी इस वीक में जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उसको मैं संडे में रिवीजन करने की पूरी पूरी कोशिश करूँ। बहुत बहुत अच्छा बताया, काफ़ी योगदान रहेगा आपका हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के बीच में कि आपने पूरे बताया इतने प्रोफेसर्स में जो सफलता प्राप्त की। और बहुत बहुत अच्छा दिन है क्योंकि ये एक एग्ज़ाम का जो एक रिजल्ट है ये न केवल एक रिजल्ट होता है बल्कि हमारी पूरी मेहनत का बचपन से लेकर आज तक, हमने जिस समय स्कूल में एडमिशन लिया था उससे लेकर आज तक जो हमने किया उसका पूरा एक फल होता है। जो जी सर, मैं जानना चाहूँगा कि आगे का आपका क्या प्लानिंग है, अब आगे आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं या कोई विशेष? देखिए सर, मेरी हमेशा से ही ये हार्दिक इच्छा रही थी, जब से मैंने बीएससी करने के बाद में मेरा मूड चेंज हो गया था कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ना और पढ़ाना है। मुझे पढ़ाने में बच्चों को बहुत इंटरेस्ट था और मुझे अच्छा भी लगता है, तो मैं आगे के लिए यही करूँगा कि मैं जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें अच्छा एक एनवायरनमेंट बनाते हुए बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सकूं, एक हेल्थी शिक्षा दे सकूं, एक हेल्थी समाज निर्माण में मैं अपना सहयोग दे सकूं और राजस्थान की शिक्षा को आगे बढ़ाने में जहां तक मेरा जो सहयोग हो पाएगा, जहां तक मैं कर पाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा सर। बिल्कुल, बहुत बहुत, और यही चाहते हैं हम भी आप लोगों से कि आप इसी प्रकार जुड़े रहें, हमसे भी जुड़े रहें, स्टूडेंट से भी जुड़े रहें, क्योंकि जो टीचिंग का जो एक प्रोफेशन ही एक इस प्रकार का प्रोफेशन है, क्योंकि इससे विद्यार्थियों की जो कहते हैं ना कि जितना अच्छा टीचर नब्ज पकड़ पाए, डॉक्टर जिस प्रकार से एक मरीज की नब्ज पकड़ सकता है, शिक्षक भी एक प्रकार से वैसा ही कार्य करता है। अगर वो अपने स्टूडेंट्स की रग रग से वाकिफ है तो बहुत अच्छा शिक्षक बन के निकलता है, क्योंकि उनकी कमजोरियाँ सब जानता है। तो आप एक अच्छे शिक्षक के रूप में भी रहे हैं, एक अच्छे आप कई लोगों को गाइडेंस देते रहे हैं, कोचिंग्स वगैरह में भी आप रहते हैं, तो इसी प्रकार हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी इसी फील्ड में जाएं और इसी प्रकार हमारे जो विद्यार्थी आने वाले राजस्थान के भविष्य उन लोगों को भी इसी प्रकार वो करते रहें। मैं आपसे जाते जाते एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप कुछ मोटिवेशन चीज़ बताना चाहें स्टूडेंट्स को जो उन्हें प्रेरित हमेशा प्रेरित करते रहे या जिस मोटिवेशन को आपने हमेशा फॉलो किया, ऐसा कुछ बताना चाहें हमारे? देखिए अशोक जी, इसके लिए मैं इतना ही मानता हूँ कि आप कभी भी अपने ऊपर असफलता को हावी नहीं होने दें, क्योंकि असफलता एक ऐसी चुनौती है जो हमें दो रास्ते दिखाती है। अगर हमने उसको हावी होने दिया तो हम एक डिक्रीज के मेंट हो जाए, मतलब कि आप निचले स्तर पर जान चले जाएंगे, और यदि हमने उस असफलता को ही हमारा एक मोटिवेशन मान लिया तो हम उसी को एक इंक्रीज मोड में लेकर के जा सकते हैं। तो ये जो असफलता है इसके आगे पीछे ही हमारी कहानी घूमती रहती है, तो मैं ये चाहूँगा इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे, कोई नहीं
नहीं हुआ फिर तैयारी करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, उठेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ये एक हमारा एग्जाम का फल होता है, नहीं कोई जिंदगी का फल। बिल्कुल बिल्कुल, डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारा किस एग्जाम में कहाँ क्या हो जाए। आपने कभी सोचा था फर्स्ट टाइम के साथ इस एग्जाम को पास? नहीं सर, मेरा तो है सोचना, जब स्टार्टिंग में एग्जाम दे दिया था तो उस टाइम ऐसा लग रहा था कि पता नहीं यार स्कोर मेरा कितना है, इंटरव्यू कॉल होगा कि नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा और लोगों से बातचीत हुई तो उसमें लगा कि भाई हाँ नंबर्स आ रहे हैं तो अपन इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। इंटरव्यू कॉल होने के बाद जब लोगों से और बातचीत हुई तो उसमें लगा कि यार अपन ठीक पोजीशन में हैं। इतना विश्वास था कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मुझे ये विश्वास नहीं था कि एक फर्स्ट रैंक आ जाएगी। और कल भी जब मैं रूम में बैठा हुआ था यहाँ हॉस्टल में, तो जो छोटा भाई था उसने बोला कि रिजल्ट आ गया। और जैसे मैंने रिजल्ट को देखा तो उस टाइम मैं सबसे पहले जो उसमें 4-5 कॉलम बने हुए थे हर रो में, मैंने पहले सबसे पहले कट ऑफ का कॉलम देखा कितना कट ऑफ गया है, तो उसमें 141 पॉइंट कुछ इतना कट ऑफ गया था। तो उसको देख के लगा यार कट ऑफ तो ज़्यादा गया, अब तो अपना चेक करते हैं कि रोल नंबर है कि नहीं है। तो मैंने पहला कॉलम चेक कर लिया, दूसरा कॉलम चेक कर लिया, तीसरा कॉलम में चेक कर लिया, मेरा रोल नंबर नहीं मिल रहा। जैसे मैं चौथे कॉलम में गया और सेकंड नंबर पे देखा तो मेरा रोल नंबर था उसके जस्ट सामने, वो रैंक लिखी हुई थी। मैंने सोचा भाई रैंक आगे पीछे, मैंने उसको 3 बार देखा क्या ये सही है या भाई एक बार कह दे फिर पता चले कि आप तो गलत देख लिए। तो वो उस टाइम का जो टाइम था ना उसको मैं इतनी तरीके से फील किया कि भाई सफल तो हो गए, लेकिन वो जो क्षण मिला था कि फर्स्ट रैंक आई आपकी, वो अपने आप में गौरवान्वित करने वाला क्षण था। बहुत बहुत धन्यवाद, उसी चीज़ की बार बार बधाई दे रहे हैं हम आप लोगों को, आप बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं बार बार हम इसी चीज़ के लिए आप लोगों को। तो राजेश जी हम बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार आप फर्स्ट रैंक लाकर समूचे राजस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं, आने वाले निकट भविष्य में भी आप इसी प्रकार हर क्षेत्र में गौरवान्वित करते रहें और इसी प्रकार चर्चा का विषय बने रहें, क्योंकि आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा बेस आपने तैयार कर लिया है कि आप ये कर सकते हैं। तो बस हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। साथ ही साथ हमारे जो दर्शकगण हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उन लोगों के लिए बोलना चाहेंगे कि हम इसी प्रकार की सीरीज आप लोगों के लिए लगातार लेकर आएंगे। और भी नए नए जो गुर हैं, नए नए जो टॉपर्स और जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर से 2020 एग्जाम्स के, उन लोगों से आप लोगों को मुखातिब करवाएंगे। तो आपके भी अगर किसी प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस या कुछ हो तो आप हमें भेज सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं, उन क्वेश्चंस वगैरह को हम आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे और आप लोगों के साथ उनको साझा करेंगे। तो आप अपने बताएंगे, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। राजेश जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।